कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष सिंगार 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, क्लास 10th के पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये हमारी 19th क्लास है। इससे पहले यानी कि जो 18th क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारी 19th क्लास में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट 3 का, जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसका क्या कंसेप्ट है, और उससे जुड़ी हुई सारी बेसिक कंसेप्ट जो हम आज आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और स्टूडेंट, मैं बता दूं, जिन्होंने मेरी इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा, यानी क्लास 18th को नहीं देखा है, तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी क्लास 18th को जरूर वॉच करें। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो आपको आज की जो ये 19th क्लास है, जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट, वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस के कंसेप्ट को समझने से के लिए आपको डेटाबेस के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेन कंसेप्ट है, उससे पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है, आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ये स्टूडेंट्स, इसको हम शॉर्ट में मॉडल भी बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आरडीबीएमएस। फुल फॉर्म इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आपका डीबीएमएस था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसी तरीके से आपका एक नया मॉडल जनरेट होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस। डीबीएमएस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के कंसेप्ट के बिहाव पर एक नया मॉडल का कंसेप्ट लॉन्च किया गया, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखते हैं इसके बारे में। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 1970 बाई ई एफ कॉर्ड। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल आरडीबीएमएस का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले दुनिया के सामने ई एफ कॉर्ड नाम के एक साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जिन्होंने 1970 में इसका कंसेप्ट दिया था, जिसको इन्होंने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहा था। इट इज द कॉमन टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल। द डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल्स विच इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये डेटाबेस मॉडल जो है, मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है, सबसे कॉमन डेटाबेस मॉडल है, उसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और इस मॉडल में जो डेटा एलिमेंट्स हैं, जो हम डेटा को अलग अलग टेबल्स में स्टोर कर रहे हैं, ऑन द कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस के कंसेप्ट के बेसिस पर जो हम डेटा को अलग अलग टेबल्स में, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में स्टोर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर कर रहे हैं, वो जो टेबल है वो आपकी दो चीजों से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। उस वो टेबल आपकी दो चीजों को मिला करके बनाई गई होती है, रोज एंड कॉलम। या हम ये भी कह सकते हैं कि उस टेबल में दो चीजें होती हैं, वन इज रो एंड सेकेंड इज कॉलम। हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको टेबल ए ली है। टेबल ए में आप देखेंगे जो आपकी टेबल है, इसमें कुछ कॉलम्स हैं, जैसे रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। ये आपके कुछ कॉलम्स हैं, उसमें मैंने डेटा को एंट्री करी है, ठीक है, ये टेबल ए है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे टेबल बी ली है। टेबल बी में मैंने आपका जो लिया है, एक तीन कॉलम्स लिए हैं, रोल नंबर, फादर नेम एंड मदर नेम। अब आप यहाँ पे एग्जांपल में अगर ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे जो रोल नंबर वाला कॉलम है,
इन बोथ द टेबल्स, टेबल ए एंड इन टेबल बी, दोनों रोल नंबर वाले कॉलम में, दोनों टेबल के रोल नंबर वाले कॉलम में जो वैल्यूज हैं, यानी कि जो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, वो दोनों टेबल्स में सेम हैं। तो इससे मुझे ये पता लगता है कि आपने जो डेटा मल्टीपल टेबल्स में अरेंज किया, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज किया और टेबल्स की फॉर्म में उसको जो है अरेंज करा और टेबल्स की फॉर्म में उसको डेटा को स्टोर करा, तो वो जो डेटा है आपका वेरियस टेबल्स में, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स, वो भी टेबल्स का जो डेटा है, मल्टीपल टेबल्स का जो डेटा है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट और दिस लॉजिक मींस दैट वन और मोर टेबल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर विद ए कॉमन नेम ऑफ कॉलम्स इन ईच टेबल। इसमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपसे कि जब आपके डेटाबेस में एक और एक से ज्यादा टेबल्स हों और वो दो सभी टेबल्स एक कॉमन कॉलम के द्वारा सभी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हों, उस कंसेप्ट को रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है, RDBMS कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल ए में जो रोल नंबर वाला कॉलम है आपका और टेबल बी में जो रोल नंबर वाला कॉलम है वो सेम है, तो यानी कि टेबल ए एंड टेबल बी आर रिलेटेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कॉमन कॉलम नेम एज रोल नंबर। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं कि RDBMS का कंसेप्ट अगर हम जनरेट करते हैं तो वो ये कहा जा सकता है कि टेबल ए और टेबल बी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, किस कॉलम के द्वारा रिलेटेड है, रोल नंबर वाले कॉलम के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि दोनों टेबल्स के रोल नंबर वाले कॉलम्स में सभी वैल्यूज सेम हैं। सो दीज टू टेबल्स ऑफ ए डेटाबेस आर रिलेटेड विद ईच अदर कोरेस्पॉन्डिंग टू द अदर रिकॉर्ड्स विच आर एंटर्ड इन द सेपरेट टेबल्स। So this concept is known as relational database or also known as RDBMS, and this model was proposed by E.F. Codd, computer scientist in 1970, known as relational database model. और इस मॉडल को E.F. Codd नाम के कंप्यूटर वैज्ञानिक कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा 1970 में लॉन्च किया गया था और इस मॉडल को उन्होंने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल और कहा था, जिसको हम शॉर्ट में RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंसेप्ट के रूप में पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा आता है रिलेशनल डेटाबेस। जैसा भी मैंने आपको बताया कि रिलेशनल डेटाबेस का जो मेन कंसेप्ट है वो अभी हमने यहाँ पे समझा। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है, क्यों लॉन्च करा गया था, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, वो हमने समझा। अब आपको रिलेशनल डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा और एक सिंपल डेफिनेशन आपको बता देते हैं। रिलेशनल डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल्स इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस। एक डेटाबेस में एक और एक से ज्यादा टेबल्स के कलेक्शन को रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। एक डेटाबेस जिसमें एक से ज्यादा टेबल्स क्रिएट करी गई हों और वो सभी टेबल्स एक कॉमन कॉलम्स के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड हों, दिस डेटाबेस इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस। एग्जांपल कंसीडर करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये पूरा सिलेंड्रिकल बॉक्स, सिलेंडर बना हुआ है आपका, ठीक है, ये आपका रिलेशनल डेटाबेस है, यानी कि जो सिलेंडर है वो आप डेटाबेस कंसीडर करेंगे और इसमें आप देखेंगे दो टेबल्स बनी हुई है, फर्स्ट टेबल एंड दिस इज सेकेंड टेबल। तो फर्स्ट टेबल में अगर आप देखते हैं तो आपके फाइव कॉलम्स हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ एडमिशन, दीज आर द कॉलम इन फर्स्ट टेबल। एंड इन टेबल सेकेंड और टेबल टू दीज आर द कॉलम्स नोन एज रोल नंबर, बुक नंबर, डेट ऑफ इश्यू एंड डेट ऑफ रिटर्न,
ठीक है, ये आपका जो है डेटाबेस है, जो सिलेंडर है आपका, ये जो सिलेंड्रिकल शेप है ये आपका क्या है, ये डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर आपके दो टेबल्स हैं, ये हमने टेबल वन मान ली है, इसको हम टेबल वन मान लेते हैं और इसको हम टेबल टू मान लेते हैं। टेबल वन और टेबल टू दो टेबल्स हैं, और इन दोनों टेबल्स में अगर आप देखेंगे तो रोल नंबर वाला जो कॉलम है वो दोनों टेबल्स में सेम है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थ्योरेटिकल कंसेप्ट की एक कॉमन कॉलम के हेल्प से, कॉमन कॉलम की वैल्यूज के द्वारा सभी टेबल्स एक ही डेटाबेस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो उस डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है, RDBMS कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को किसके द्वारा डेवलप किया गया था या किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, EF कॉर्ड के द्वारा करा गया था। कब करा गया था, 1970 में किया गया था। ठीक, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को लॉन्च करते समय, डेवलप करते समय EF कॉर्ड जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है उन्होंने क्या थ्योरी एक्सप्लेन करी, तो उसमें आप वो लिखेंगे जो मैंने आपको अभी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में एग्जाम्पल के हेल्प से एक्सप्लेन करा। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या, व्हाट डू यू मीन बाय RDBMS, RDBMS से आप क्या समझते हैं। तो आपको पहले तो RDBMS की जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको पहले क्या करना है, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है RDBMS की। ठीक है, जो आपकी फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आपको अगर वेरी शॉर्ट में पूछा गया है तो आप फुल फॉर्म के साथ साथ केवल और केवल इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन बता दीजिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, ये आपको एक्सप्लेन करी गई है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल्स इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस, और आप ये छोटा सा एग्जाम्पल दे दीजिए। और यदि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा जाता है या शॉर्ट में, यानी कि 30 से 40 शब्दों में आपसे लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप पहले एक लाइन में आप ये बता दीजिए कि RDBMS जो है मॉडल जो है ये कंसेप्ट जो है किसके द्वारा दिया गया था और कौन से ईयर में इसको दिया गया। इसके बाद आप RDBMS की डेफिनेशन दे दीजिए और एक एग्जाम्पल देकर के आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आप था आपका RDBMS का कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे अभी अपनी वीडियो में बने रहिए, क्लास के साथ बने रहिए आप, और मैं आपको ऐसे कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स आपके साथ ऐसे शेयर करने वाला हूँ, कुछ डेफिनेशन से शेयर करने वाला हूँ, जो रिलेशनल डेटाबेस के कंसेप्ट को जब हम आगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। मेरे पहले सबसे ज्यादा और सबसे पहले वीडियो को मिल सके और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आता है टर्म्स यूज्ड इन RDBMS। आपके कुछ टर्म्स हैं जो RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज की जाती हैं। उसकी कुछ टर्म्स में सबसे फर्स्ट टर्म आती है आपकी एंटिटी। एंटिटी क्या है, इट इज एन ऑब्जेक्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड इन ए डेटाबेस, यानी कि वो कोई, इट इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है अबाउट विच जिसके बारे में इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड इन ए डेटाबेस, डेटाबेस में किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर्ड कर रहे हैं। दिस एंटिटी और दिस ऑब्जेक्ट विच ऑन विच इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड इन ए डेटाबेस इज नोन एज एंटिटी इन द कंसेप्ट ऑफ RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते समय उस डेटाबेस में आप किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को, किस चीज की इंफॉर्मेशन को स्टोर्ड कर रहे हैं, कितना किसी चीज के बारे में तो आप इंफॉर्मेशन स्टोर्ड कर रहे होंगे ना, वो चीज आपकी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को RDBMS के कंसेप्ट में एंटिटी कहा जाता है।
एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी स्टूडेंट, मान के चलिए हम एक एंटिटी ले रहे हैं जिस एंटिटी का नाम है स्टूडेंट, यानी कि हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, उस डेटाबेस में हम जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना चाहते हैं। देन वी नीड, उस केस में वी नीड, हमें आवश्यकता है टू हैव हिज और हर एडमिशन नंबर, हमें उस जिन जिन स्टूडेंट्स की मेरे को इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करवाना है उन स्टूडेंट्स का मेरे को एडमिशन नंबर चाहिए, रोल नंबर चाहिए, उनका नेम चाहिए, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी उनकी पर्सनल डिटेल्स मेरे को चाहिए जिससे मैं अपने डेटाबेस में स्टूडेंट एंटिटी के नाम से जो है अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकूं। तो दीज डिटेल्स आर एसोसिएटेड विद एन एंटिटी कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स, ये जो डिटेल्स हैं ये एक पर्टिकुलर एंटिटी से एसोसिएटेड है, एक पर्टिकुलर एंटिटी से लिंक्ड है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के बारे में एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे स्टूडेंट, तो उस ऑब्जेक्ट को हमने RDBM से कंसेप्ट में एंटिटी कह दिया और ये सभी डिटेल्स एंटिटी से के बारे में बताया जा रही है, एसोसिएटेड हैं, उससे एसोसिएटेड हैं, यानी कि उसी के बारे में बात हो रही है, उस जो ऑब्जेक्ट है उसी के बारे में बात हो रही है, तो उस जो डिटेल्स हैं उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो भी आपकी सब डिटेल्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में वो सभी सब डिटेल्स हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए या उस एंटिटी के लिए एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं इन द कंसेप्ट ऑफ RDBMS के कंसेप्ट के बेसिस पर। सेकंड आपका जो टर्म यूज की जाती है वो यूज की जाती है आपकी यहाँ पे टेबल, टेबल किसे कहते हैं, ठीक है देखते हैं टेबल को, टेबल किसे कहेंगे, टेबल इट इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इट इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए सेट ऑफ कॉलम्स एंड हैव एनी नंबर ऑफ रोज, आपका जो टेबल है टेबल में आपके लॉजिकली सिक्वेंशियली एक दूसरे से रिलेटेड रिकॉर्ड होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको RDBMS के कंसेप्ट में बताया था कि आपके जो टेबल्स हैं आपने डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट करेंगे या जो टेबल क्रिएट करी है वो सभी टेबल्स एक दूसरे से रिलेटेड है कुछ कॉमन कॉलम्स के द्वारा, तो इसी तरीके से एक वहां पे तो दो टेबल्स का कंसेप्ट हमने लिया था परंतु एक ही टेबल में अगर हम एक एंट्री की बात करें तो उस वहां पे क्या था, रोल स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, उसका फादर नेम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो ये सारी डिटेल्स क्या है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बात हो रही है और ये सभी डिटेल्स किस में सेव्ड है एक टेबल में सेव है, तो उस डिटेल को उस रो को जो डिटेल्स है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड बोल रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड जो है लॉजिकली रिलेटेड है, यानी कि सभी वैल्यूज जैसे जैसे उसका एडमिशन नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ऑल दीज वैल्यूज आर रिलेटेड लॉजिकली, ये सभी वैल्यूज जो है लॉजिकली रिलेटेड है एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में सेंस में किसी ना किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इट इज एन ऑर्गेनाइज एज ए सेट ऑफ कॉलम, तो ये सभी वैल्यू जो सब वैल्यू जो है वो कॉलम्स के फॉर्म में सेट की गई हैं, ऑर्गेनाइज की गई, स्टोर की गई, एंड हैव एनी नंबर ऑफ रोज, और इसी टाइप से सभी प्रकार के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को सभी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए उस टेबल में कितनी भी रोज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट टेबल कैन हैव कॉलम्स नेमली रोल नंबर, आपको एक टेबल डेटाबेस में टेबल बनानी है, टेबल क्रिएट करनी है जो कि स्टूडेंट के नाम से आप टेबल बनाएंगे और उसमें ये कॉलम आप रखेंगे, रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सभी कॉलम्स आपके उसमें होनी चाहिए, एंड हैव रिकॉर्ड्स और रोज हैविंग डेटा ऑफ 50 स्टूडेंट, और उसमें आपकी जो क्लास में सपोज करिए 50 स्टूडेंट है तो उन सभी 50 के स्टूडेंट का आपको डेटा को उसमें एंट्री करनी है, तो ये जो आपकी 50 स्टूडेंट है यानी कि 50 रोज हो गई, तो ये तो आपकी कहलाएंगी रोज, और जो आपके कॉलम्स हैं ठीक है ये आपके रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सभी आपको क्या कहलाएंगे, कॉलम्स कहलाएंगे, तो यानी कि रो और कॉलम्स को मिलाकर के जो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसमें हमने डेटा को एंटर किया था एक लॉजिकली वे में जो सभी वैल्यूज को एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए उसको हम कहते हैं टेबल। थर्ड इज आता है फील्ड और कॉलम और एट्रीब्यूट्स,
ठीक है, क्या था फील्ड और कॉलम और एट्रीब्यूट्स। ए फील्ड इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ ए डेटाबेस। डेटाबेस की जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है, डेटाबेस की जो सबसे छोटी एंटिटी, सबसे छोटा जो ऑब्जेक्ट है, सबसे छोटी जो यूनिट है, वो है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है कॉलम। टेबल में जैसे अपने सेकंड पॉइंट में मैंने अभी आपको बताया कि टेबल में आपकी रोज होती है और कॉलम्स होते हैं, तो यहाँ पे फील्ड जो है को कॉलम के नाम को, या टेबल में आपको दो चीज बताई गई है, रो और कॉलम। तो यहाँ पे मैं पहले कॉलम की बात करूं, कॉलम का दूसरा नाम फील्ड है और उसी का दूसरा नाम एट्रीब्यूट्स है। यानी कि जो टेबल में हम कॉलम पढ़ रहे हैं वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS में उसको दो नाम से यूज करा गया, फील्ड और एट्रीब्यूट। और आज से अगले कुछ दिन जब तक भी मैं डेटाबेस का कंसेप्ट को यूज करेंगे, डेटाबेस में जब तक हम आपके कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, तो जैसे ही टेबल में कॉलम्स की बात आएगी तो हम कॉलम नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे फील्ड और एट्रीब्यूट्स। फील्ड और एट्रीब्यूट्स का जैसे ही नाम आए डेटाबेस में, तो आप समझ जाइए टेबल की कॉलम की बात हो रही है। एक पर्टिकुलर टेबल में कॉलम की बात हो रही है, एक कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ फील्ड मेक ए रिकॉर्ड, ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड मेक ए टेबल, एंड ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स मेक ए डेटाबेस। ए कलेक्शन ऑफ फील्ड मेक ए रिकॉर्ड, फील्ड के कलेक्शन को रिकॉर्ड कहा जाता है, और रिकॉर्ड के कलेक्शन को टेबल कहा जाता है, और टेबल्स के कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे, ठीक है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे इस पॉइंट को। ए कलेक्शन ऑफ फील्ड मेक ए रिकॉर्ड, जो आपने टेबल में डेटा की एंट्री कर दिया उसमें आपने काफी सारे कॉलम्स बनाए, यानी कि काफी सारे फील्ड बनाया, उन सभी फील्ड्स के आपने मान लीजिए टेबल आपने बनाई है, उस टेबल में 5-6 कॉलम आपने ले लिया, यानी कि मींस 5 और 6 फील्ड्स ले लिया आपने, 5-6 एट्रीब्यूट ले लिए। तो अब हम वहां पे फील्ड्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। अब ये नहीं बोलेंगे 6 फील्ड्स हैं या 6 एट्रीब्यूट्स हैं, ये नहीं बोलेंगे, अब हम कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ फील्ड्स या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, उस एक पर्टिकुलर टेबल में फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स का जो कलेक्शन है वो तो रिकॉर्ड्स कहलाता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रो, रिकॉर्ड्स को रो बोलते हैं। और एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जो सभी रोज हैं, यानी कि आपने अभी जो 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर किया था, जो 50 रोज हैं, उन सभी के कलेक्शन को टेबल कहलाया जाता है। और जब आप एक से ज्यादा टेबल्स क्रिएट करते हैं डेटाबेस में तो क्या कहलाता है, एक डेटाबेस कहलाता है। आप एक से ज्यादा टेबल्स क्रिएट करते हैं, आपने 2-3 टेबल्स क्रिएट कर दी और एक सेपरेट जगह एक न्यू फोल्डर में उनको स्टोर करवा दिया, दैट न्यू फोल्डर इज नोन एज डेटाबेस, ठीक, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। फील्ड्स आर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स एंड आर प्रेजेंटेड एज कॉलम्स विद इन अ टेबल। फील्ड्स आर इंडिविजुअल रिकॉर्ड, फील्ड्स जो है एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को, यानी कि सब फील्ड्स को शो करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी एंटिटी की, यानी कि एक स्टूडेंट है एंटिटी, उस स्टूडेंट में पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसका नाम है राकेश, उस राकेश के लिए अगर मैं फील्ड में उसके इंफॉर्मेशन को, उसकी डिटेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, तो आपकी जो सब डिटेल्स आएंगी, जैसे उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका मदर नेम, उसका रोल नंबर, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, क्लास, सेक्शन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑल दीज आर द सब डिटेल्स ऑफ दैट स्टूडेंट हुज नेम इज राकेश। These individual details or sub details are recorded in the form of fields or attributes of a table. वो सभी जो individual sub fields हैं किसी भी particular student के लिए, वो आपकी fields की form में या attributes की form में stored करी जाती हैं एक table में, जो table आपकी database में create की गई है। और ये जो कंसेप्ट आपका कहलाता है, ये कंसेप्ट आपका RDBMS का कंसेप्ट कहलाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम जब डेटाबेस में को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस में को क्रिएट करने के बाद उसमें हम जब टेबल को क्रिएट करते हैं, तो आपको वहां पे ये सभी टर्म्स का यूज करना होता है। तो वहां पे जो आपकी जो सब फील्ड है वो कॉलम्स की फॉर्म में, टेबल्स में कॉलम की फॉर्म में आपको शो होती है। इसके बाद आता है आपका डेटा वैल्यूज आर स्टोर्ड इन ए डेटाबेस एज फील्ड्स।
जो भी आप वैल्यूज को स्टोर करेंगे, जैसे नेम हो गया राकेश, राकेश जो एक नाम है स्टूडेंट, ये वैल्यू है, डेटा वैल्यू स्टोर्ड इन डेटाबेस, जो डेटाबेस में स्टोर्ड करी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ फील्ड, एज फील्ड, फील्ड की फॉर्म में, एट्रीब्यूट की फॉर्म में। उसका फादर नेम हो गया राम कुमार, तो राम कुमार जो एक डेटा वैल्यू होगा जो फादर नेम वाले कॉलम या फादर नेम वाले फील्ड में वैल्यू की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। दिस इज द टर्म इन आरटीपीएमएस विच इज यूज टू क्रिएट ए डेटाबेस, जो हम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं, कुछ टर्म्स हो रहे हैं। अभी हमारी फोर्थ टर्म आती है आपकी डेटा वैल्यूज। अभी आपने थर्ड टर्म में जब फील्ड और कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स की बात करी तो उसमें एक वैल्यू शब्द आया था डेटा वैल्यूज। तो डेटा वैल्यू क्या है? इट इज ए रॉ डेटा रिप्रेजेंटेड इन न्यूमेरिक कैरेक्टर और अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म, और अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म। इट इज ए रॉ डेटा यानी कि एक रॉ डेटा है, यानी कि फैक्ट्स है जो रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक वैल्यू को, कैरेक्टर्स को, या अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म को। अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म मीन्स वो डेटा जिसमें आपका अल्फाबेट्स भी हो और आपकी काउंटिंग नंबर्स भी हो और उसमें कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे परसेंटेज का साइन, डॉलर का साइन, एट द रेट, हैशटैग, ये सारे आपके स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं। न्यूमेरिक डेटा 0 to 9, करेक्टर्स A to Z, ये अल्फाबेट्स यानी कि A to Z, और अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म जिसमें इन सभी तीनों कॉम्बिनेशन हो विद स्पेशल करेक्टर, दिस वैल्यू इज नोन एज डेटा वैल्यू। जैसा भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम है राकेश, तो राकेश जो है एक डेटा वैल्यू, उसका मोबाइल नंबर है 7895, तो 7895 इज ए डेटा वैल्यू विच इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज नेम इज राकेश। जो मोबाइल नंबर 7895 जो नंबर है आपका, ये किससे रिलेटेड है? लॉजिकली रिलेटेड है किससे? जिस उस स्टूडेंट के वैल्यू से रिलेटेड है जिस स्टूडेंट का नाम राकेश है। तो ऑल दीज डेटा वैल्यूज आर लॉजिकली रिलेटेड विद ईच अदर, विच आर रिप्रेजेंटेड और डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स और फील्ड्स और एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस, जो रिलेशनल डेटाबेस में आपके टेबल में पर्टिकुलर कॉलम में या फील्ड्स में या एट्रीब्यूट में जो वैल्यू को डिस्प्ले करा जाता है, उनके लॉजिकली रिलेशन ऑफ डेटा वैल्यूज को क्या कहा जाता है? एक रिकॉर्ड कहा जाता है, एक रो कहा जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट आपको यहाँ पे यही बताता है कि रो रिकॉर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे किसको कहते हैं, द डेटा वैल्यूज फॉर ऑल फील्ड्स रिलेटेड टू ए पर्सन इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड, इट इज प्रेजेंटेड एज रोज विद इन ए टेबल। आपने टेबल क्रिएट करी, टेबल में एक रो है, उसको हम रिकॉर्ड भी कहेंगे और उसको टपल भी कहेंगे। जिस तरीके से हम अपनी टेबल में कॉलम्स को दो नाम से जानते हैं, फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स, इसी तरीके से रिलेशनल डेटाबेस में टेबल में जो रो है आपकी, उसको भी दो नाम से जानेंगे, एक तो रिकॉर्ड्स और एक टपल्स। ए रिकॉर्ड होल्ड्स द डेटा वैल्यूज ऑफ ऑल द फील्ड्स फॉर ए सिंगल पर्सन इन ए टेबल। टेबल में पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो सभी फील्ड्स या सभी एट्रीब्यूट्स की जो डेटा वैल्यू, तो उनके लॉजिकली कॉम्बिनेशन को, लॉजिकली रिलेशन को, लॉजिकली रिलेटेड वैल्यूज को एक रो कहा जाता है, एक रिकॉर्ड कहा जाता है, एक टपल कहा जाता है। किसका टपल, किसका रिकॉर्ड, किसकी रो? उस टेबल की जिसमें वो मेंशन किया गया है, जिसमें वो एंटर किया गया है रिकॉर्ड। एक नया कंसेप्ट आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे, एक न्यू टर्म आपको यूज करते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में डेटाबेस का, जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। रिलेशन, ए टेबल इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड एज रिलेशन। अब डेटाबेस में जो आपने अभी तक टेबल बनाना सीखा,
जिसको हम टेबल बोल रहे हैं उस टेबल का भी दूसरा नाम होता है रिलेशन। यदि हम अपने डेटाबेस में रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको समझ जाना है कि मिस टेबल की बात हो रही है। एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए लेना चाह रहा हूं कि सपोज करिए वी क्रिएट ए रिलेशन इन ए डेटाबेस नेम एज स्टूडेंट हुज फील्ड्स आर रोल नंबर नेम एंड फादर्स नेम एंड इट्स रोज वैल्यूज आर नेम इज राकेश फादर नेम इज राम कुमार। तो इन दिस एग्जाम्पल रिलेशन इज नोन एज टेबल फील्ड आर कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज एट्रीब्यूट और कॉलम्स ऑफ दैट टेबल उस टेबल के एंड द राकेश और फादर्स नेम इज राम कुमार आर द रोल और डिकोड और टपल ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट विच आर रिलेटेड विद इच अदर एंड ए पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज डेटा वैल्यू एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस और इन सभी के कॉम्बिनेशन को रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है टेबल ली है दो टेबल बनाई है मैंने टेबल वन और यहाँ पे टेबल टू है। तो ये जितने भी आपके कॉलम्स हैं जैसे रोल नंबर वाला कॉलम है स्टूडेंट नेम हो गया क्लास हो गया डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ एडमिशन तो ये सभी क्या है फील्ड्स है यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कॉलम्स के नेम को हम फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है ये आपकी टेबल्स हो गई ठीक है ये आपकी टेबल्स हैं ये आपकी टेबल वन हो गई है ठीक है और ये आपकी टेबल टू हो गई आपकी ठीक है और आगे आपके रिकॉर्ड्स हो गए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड टेबल में आपके जो कॉलम्स हैं रोल नंबर बुक नंबर डेट ऑफ इश्यू और डेट ऑफ रिटर्न दीज आर द फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टू। अब यहाँ पे अगर हम टेबल वन की बात करें तो रोल नंबर 913 दीपक कुमार क्लास 10 डेट ऑफ बर्थ 6/4/2004 डेट ऑफ एडमिशन 25/6/2018 तो ये सभी जो हैं एक पर्टिकुलर डिकोड हो गया। ये क्या हो गया ये आपका एक पर्टिकुलर डिकोड हो गया ठीक है ये आपका पर्टिकुलर डिकोड हो गया यानी कि ये वाला जो ये रोल नंबर 913 वाला जो है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होगा और इसमें अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू की मैं बात करूं जैसे ये दीपक कुमार है अगर मैं केवल और केवल इसी की बात करता हूं तो ये क्या कहलाएगा एक वैल्यू कहलाएगी यानी कि जिस आल्सो नोन एज डेटा वैल्यू जिसको हम डेटा वैल्यू बोलते हैं जो आपकी न्यूमेरिक कैरेक्टर या अल्फा न्यूमेरिक किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको डेटाबेस में पता होनी चाहिए इनको एग्जाम में पूछा भी जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेरी शॉर्ट में एमसीक्यू की फॉर्म में एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा तो इसलिए आप इनको जरूर कंसेप्ट को जरूर यूज करें और जरूर इनकी स्टडी करें। अगला टॉपिक देखते हैं इन्हीं से बेसिस पर डिग्री एंड कार्डिनेलिटी ऑफ ए टेबल इन डेटाबेस। डेटाबेस में जो हमने टेबल अभी हमने कंसेप्ट टेबल का यूज करा रिलेशनल डेटाबेस में उसमें आपके दो कंसेप्ट और आते हैं डिग्री एंड कार्डिनेलिटी। तो स्टूडेंट परेशान नहीं होना है बहुत इजी कंसेप्ट है डिग्री और कार्डिनेलिटी का। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे आपके डिग्री की द नंबर ऑफ फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल और रिलेशन इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ ए टेबल और रिलेशन। आपकी एक पर्टिकुलर टेबल एक रिलेशन में कितने फील्ड्स हैं या कितने एट्रीब्यूट्स हैं वही आपकी डिग्री कहलाती है ठीक है। अभी कार्डिनैलिटी क्या होती है द नंबर ऑफ टपल्स और डिकोड्स इन ए टेबल और रिलेशन इज कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी ऑफ ए टेबल और रिलेशन। एक टेबल में या एक रिलेशन में जितने आपने रिकॉर्ड्स हैं यानी कि जितनी आपकी रो हैं जितने आपके टपल्स हैं वही आपकी कार्डिनैलिटी कहलाती है। एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कंसीडर द टेबल स्टूडेंट मैंने एक टेबल कंसीडर कर लिया जिसका टेबल का नाम है स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के नाम से मैंने यहाँ पे एक टेबल कंसीडर कर लिया है उस टेबल को आप यहाँ देख सकते हैं टेबल का नाम है स्टूडेंट। टेबल में मैंने आपके तीन कॉलम्स लिए हैं यानी कि टेबल को तो हम यहाँ बोलते हैं रिलेशन यानी कि जो मैंने रिलेशन क्रिएट करा उसमें तीन एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर फादर नेम एंड मदर नेम ठीक। तो डिग्री ऑफ
टेबल नेम्ड एज स्टूडेंट और रिलेशन एज स्टूडेंट इज थ्री। ठीक, और इसमें आपके क्या है आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इन द टेबल शोन इन फिगर, जो आपको यहाँ पे फिगर में टेबल शो की गई है यानी कि रिलेशन शो किया गया, देयर आर थ्री फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स, तीन फील्ड्स हैं या तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तो सो द डिग्री ऑफ टेबल इज थ्री, तो टेबल की डिग्री क्या हो गई आपकी थ्री हो गई। इसी तरीके से कार्डिनलिटी की बात करते, कार्डिनलिटी को आपने कहा था टपल से रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड में आपको बता चुका हूँ कि रोज को कहते हैं, यानी कि आपकी रोज की संख्या यहाँ पे रोल नंबर 12, 13, 18, यानी कि एक पर्टिकुलर रो कितनी है, रो कितनी है यहाँ पे रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड रो नंबर 4, देयर आर फोर रोज। तो यही चीज यहाँ लिखी गई है, तो इन द टेबल शोन इन फिगर देयर आर फोर रिकॉर्ड्स और फोर रोज, चार रिकॉर्ड हैं, चार रो हैं, सो द कार्डिनलिटी ऑफ टेबल इज फोर, तो इस टेबल की कार्डिनलिटी क्या कहलाएगी, फोर कहलाएगी। तो ये आपका डिग्री और कार्डिनलिटी का कंसेप्ट है कि रिलेशनल डेटाबेस में जो आप टेबल क्रिएट करते हैं या रिलेशन क्रिएट करते हैं उसकी अगर आपसे कहा जाए कि उस टेबल की उस रिलेशन की डिग्री फाइंड आउट करिए या उसकी कार्डिनलिटी फाइंड आउट करिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको यहाँ पे बता दिया गया। तो स्टूडेंट्स ये डिग्री और कार्डिनलिटी का कंसेप्ट भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में या वेरी शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में, आपको एक रिलेशन बना के दे दिया जाएगा, एक टेबल बना के दे दी जाएगी क्वेश्चन पेपर में, और आपसे कहेगा कि इस टेबल की डिग्री निकालो और इस टेबल की कार्डिनलिटी बताइए क्या हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको हम मेरी हर एक वीडियो समय पर मिल सके और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स आपके क्लासमेट्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। और जब तक आप हमारे डेटाबेस के कंसेप्ट को और रिलेशनल डेटाबेस के कंसेप्ट को रिवाइज करें, और हम जल्दी दूसरी वीडियो में मिलेंगे, दूसरी क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।